भाजपा के नेता नवीन कुमार जैन ने अपने कैंप कार्यालय पर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नवीन कुमार जैन ने अपने कैंप कार्यालय पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि बीते दिनों उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत के द्वारा नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश पर अभद्र भाषा का प्रयोग, जिससे संसद मातृ शक्ति को उनको अपमानित किया गया। साथ ही साथ भाजपा नेता नवीन कुमार द्वारा जब उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष की बात का खंडन किया गया, तो भारतीय जनता पार्टी की जिला अध्यक्ष हरिद्वार जयपाल सिंह चौहान ने नवीन कुमार जैन को बिना सूचना दिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। माननीय मोदी जी और माननीय अमित शाह जी, गृह मंत्री, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी, और उन्हीं के हाथों को मजबूत करने के लिए मुझे लगता है कि पार्टी के कुछ चाटुकार नेता ने ललुपा को आगे बढ़ाते हुए मेरे जो आदर्श व्यक्तित्व माननीय जयपाल सिंह चौहान जिलाध्यक्ष जी हैं, उनके द्वारा उनके लेटर पैड पर मेरा कोई कारण बताओ नोटिस स्पष्टीकरण नहीं आया, ना मेरे से किसी ने कॉल पर बात की और मुझे निष्कासन दे दिया गया, जो मुझे मीडिया के द्वारा ही मालूम हुआ। तो इस बात को देखते हुए अपनी भारतीय जनता पार्टी की मजबूती के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जो कप्तान पूरे भारतवर्ष के हैं, उसके हाथों को मजबूत करने और देश को विकास, राष्ट्र को विकास देने के लिए अपने माननीय गृह मंत्री, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी और वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे जेपी नड्डा जी, उनके हाथों को निरंतर मजबूती प्रदान करने के लिए आज मेरे दिल को गलानी है कि कहीं उत्तराखंड, जो विश्व में तपोभूमि में प्रथम स्थान पर गिना जाता है, उस नगरी से ही कहीं ग्रहण लगने का हमारी पार्टी को आघात ना हो। क्योंकि देवता अगर मात्र शक्ति का अपमान हुआ, तो यदि देवी देवता ही रुष्ट हो गए तो भारतीय जनता पार्टी का कोई